शुक्र देवगुरु बृहस्पति की धनु राशि में 7 नवंबर 2024 को सुबह 3:21 पर गोचर करने वाले। शुक्र का धनु राशि में गोचर करना तुला, वृश्चिक और धनु राशि पर क्या प्रभाव डालेगा, इन्हें इस समय अवधि में किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे और क्या कार्य करना इन्हें लाभ देने वाला साबित होगा, तो यह सब जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहे। और जो नए व्यूअर्स चैनल पर हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं और बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि के लिए शुक्र लग्न भाव और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में छोटे भाई बहन और पराक्रम के तृतीय भाव पर शुक्र गोचर करेंगे। इस समय अवधि के दौरान आपका स्थानांतरण विभिन्न जगहों में हो सकता है। यह गोचर आपको पैतृक संपत्ति से भी लाभ दिलाने वाला साबित होगा। बात करें आपके करियर की तो नौकरी में आपको बदलाव का सामना करना पड़ सकता है, साथ ही नौकरी के सिलसिले में भी यात्राएं बढ़ने वाली हैं। लेकिन आपको शुक्र के इस गोचर के दौरान सहकर्मियों से कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वहीं व्यापार करने वाले जातक शुक्र के गोचर के अवधि में नए व्यावसायिक विचार दे सकते हैं। ऐसे विचार आपको अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए मददगार साबित होंगे। आर्थिक जीवन में आपको भाग्य का साथ मिलने वाला है, जिसके कारण आप पूरी क्षमता से धन कमाने की ओर ध्यान देंगे। यह गोचर आपको आर्थिक स्थिरता देने वाला होगा। प्रेम जीवन में आपका सकारात्मक दृष्टिकोण आपके संबंधों को मजबूत करेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से भी इस समय अवधि में आपका स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है। इस गोचर काल को शुभ करने के लिए शुक्र के बीज मंत्रों का नित्य 108 बार जाप करें। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए शुक्र सातवें और बारहवें भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में वाणी, कुटुंब और संचित धन के द्वितीय भाव पर शुक्र गोचर करेंगे। आपको इस दौरान परिवार में समस्याओं, दैनिक जीवन में बाधाओं और धन की कमी का सामना करना पड़ सकता है। करियर क्षेत्र में आपको अपने कार्य के लिए अधिक यात्राएं करनी होंगी, जो आपके लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। जिन जातकों का खुद का व्यापार है उन्हें इस दौरान उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, लेकिन आप अपने व्यवसाय के फॉर्मूले में बदलाव लाकर लाभ कमा सकते हैं। आर्थिक जीवन में आपको योजना बनाकर चलना होगा, क्योंकि आपके खर्चों में इस दौरान वृद्धि देखने को मिलेगी। प्रेम जीवन में वाद विवाद की संभावनाएं बढ़ेंगी, इसलिए आपको समझदारी दिखाते हुए छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करना होगा। स्वास्थ्य के लिए पैरों में दर्द, आंखों में जलन, इस प्रकार की समस्या आपको परेशान कर सकती है। इस गोचर काल को शुभ करने के लिए सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का नित्य पाठ करें। बात करते हैं धनुराशि। धनुराशि के लिए शुक्र छठे और ग्यारहवें भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में आत्मा और शरीर के लग्न भाव पर शुक्र गोचर करने वाले हैं। यह गोचर आपके जीवन में ऋण को बढ़ा सकता है और स्वास्थ्य के प्रति भी आपको सचेत रहने की आवश्यकता होगी। किसी भी कार्य में योजना बनाकर चलें, तभी आप सफल हो पाएंगे। कार्य क्षेत्र में आपको अपने कार्य में बदलाव का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है इस बदलाव से आप संतुष्ट ना रहें। जिन जातकों का खुद का व्यापार है उन्हें अधिक लाभ कमाने के लिए अधिक प्रयास करने होंगे, क्योंकि इस समय अवधि में विरोधी आप पर दबाव बनाएंगे। आर्थिक जीवन में बढ़ती हुई जरूरतों के कारण ऋण लेने की नौबत आ सकती है। निजी जीवन में जीवन साथी के साथ तालमेल बैठाने की कोशिश करें, अन्यथा वाद विवाद की स्थितियां बन सकती है। इस गोचर काल को शुभ करने के लिए ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करें। तो यह था शुक्र का धनु राशि में होने वाला गोचर, जिससे तुला, वृश्चिक और धनु राशि इस प्रकार प्रभावित होने वाली। उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।